गुड मॉर्निंग भाई। हम बैलेंसिंग कर रहे थे तो हमने सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंसिंग की, फिर हमने पार्शियल इक्वेशन मेथड, और आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एंड व्हाट आर द रूल्स, हाउ विल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द चार्ज, इज द चार्ज दैट एटम वुड हैव, दैट एटम वुड हैव इफ कंपाउंड वाज, इफ कंपाउंड वाज कंपोज्ड ऑफ आयन। ओके, मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज द चार्ज, कि उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है ऑन दैट एटम, उस एटम के ऊपर, तब वो क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो बेटा अब हम देखेंगे रूल्स कि हम कैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स हाउ विल वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम व्हेन इट फॉर्म्स ए कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखो, इफ एटम आर प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म, अगर एटम उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट, कैसे, जैसे H2O2, N2F2, NaMgAlP4S8, ऑल दीज एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, एंड व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म देन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। कितनी होगी? जीरो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मोनोटोमिक आयन, मोनोटोमिक मीन्स बेटा जिस आयन के अंदर एक ही एटम हो, क्या आयन के अंदर एक ही एटम हो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए मोनोटोमिक आयन इज द सेम एज चार्ज ऑन इट। कितना होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर? जितना उसके ऊपर चार्ज है। जैसे मैं लिख दूं Na+, Mg2+, Al3+, मोनोटोमिक आयन F-, O2-, हाँ चलो मोनोटोमिक आयन ही लेना है, O2-। जैसे मैंने कहा Na+, तो चार्ज कितना आएगा? +1। और यही क्या है इसकी? ऑक्सीडेशन नंबर। Mg+2 पे चार्ज +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। Al3+ पे +3 फ्लोरीन, -1 ऑक्सीजन, -2। ओके, थर्ड देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी बेटा? +1। कब? व्हेन इट कंबाइंड विद नॉन मेटल। अगर हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। अगर हमारा हाइड्रोजन एटम मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा LiH CaH2, तो यहाँ लिथियम क्या है? मेटल, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। कैल्शियम क्या है? मेटल, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, समझ आया ये? नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2, -2। लेकिन अगर परऑक्साइड है, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे होता है -1/2, और सुपर ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। इसके अलावा बेटा कुछ और एक्सेप्शंस है, जैसे OF2 एंड O2F2, ये दो कंपाउंड पढ़ोगे तुम, ऑक्सीफ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +2, यहाँ पे +1। ठीक है,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी -1 विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखो जैसे मैं तुम्हें दे दूं IF7, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 ही रहेगी। अब इस आयोडीन की कितनी होगी, तो क्या लिखोगी X, एक फ्लोरीन की -1 कितने फ्लोरीन 7 = 0, तो X कितना आ गया +7, तो फ्लोरीन की कितनी आ गई +7। जैसे मैंने कहा BrF3, तो यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ब्रोमीन पे निकालोगे क्या लिखोगे X, एक फ्लोरीन की -1 कितने फ्लोरीन 3 = 0, तो X कितना आ गया +3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, इन न्यूट्रल कंपाउंड, इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन न्यूट्रल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, ऑफ ऑल द एटम इज 0। कैसे बेटा, देखो जैसे मैंने तुम्हें कोई भी कंपाउंड दिया, मैंने तुम्हें दिया KMnO4, और मैं यहाँ कहूँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो पोटेशियम की कितनी होती है +1, मैग्नीज की निकालनी X, ऑक्सीजन की -2 कितनी ऑक्सीजन 4 = अब ये कंपाउंड क्या है न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें जो सम होगा सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का वो किसके इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ से क्या आएगा X = +7, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज विल बी +7। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, इन पॉली एटोमिक आयन, इन पॉली एटोमिक आयन मीन्स जिसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स होंगे, तो इसको हम बोलते हैं पॉली एटोमिक, इन पॉली एटोमिक आयन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम, ऑफ ऑल द एटम इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, देखो बेटा जिसमें तुम्हें एग्जाम्पल दिया CO3 2-, और यहाँ मैं तुमसे कहूँ कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो तुम क्या लिखोगे X, ऑक्सीजन की -2 कितने ऑक्सीजन 3 = -2, पॉलीएटॉमिक था एक से ज्यादा एटम था, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगा उसके चार्ज के इक्वल, न्यूट्रल होता तो कितना लिखते 0, लेकिन चार्ज है तो उसके चार्ज के इक्वल होगा, तो X विल बी -2 + 6, तो X कितना आ गया +4, कितना आ गया +4। बेटा ये कुछ रूल्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे व्हेन वी विल फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम। ओके, जैसे देखो इस पे मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करवाती हूँ, जैसे मैं तुमसे कहूँ कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे फर्स्ट मैंने कहा सल्फर इन H2S, सेकंड मैंने कहा कार्बन इन CO2, थर्ड मैंने कहा बेटा कार्बन इन CH2Cl2, और एक और ले लेते हैं फॉस्फोरस इन Na3PO4। ठीक है, पहले इनका करते हैं कि इनका क्या निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, किसका सल्फर का, तो ये सल्फर रहा, सल्फर हमारा क्या है नॉन मेटल, सल्फर क्या है नॉन मेटल, और तब हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है, पीछे रूल बताया था, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है +1, मेटल के साथ कंबाइन होता है तो -1, यहाँ पे क्या है नॉन मेटल तो क्या आएगा +1, एक हाइड्रोजन पे +1, कितनी हाइड्रोजन 2, किसकी निकालनी है सल्फर की X, कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट तो 0, तो यहाँ से X कितना आएगा हमारा -2, कितना आएगा सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर -2। जैसे मैंने कार्बन की निकालनी है CO2 में क्या मानोगे X, एक ऑक्सीजन पे -2 कितने ऑक्सीजन 2, सम किसके इक्वल आएगा 0, तो X विल बी +4। ठीक है बेटा, जैसे मैं कहूँ कार्बन इन CH2Cl2, इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी क्या लिखोगे X, हाइड्रोजन पे कितनी होती है +1, कितने हाइड्रोजन 2, क्लोरीन पे -1, कितने क्लोरीन 2 = 0,
तो एक्स विल बी जीरो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन सी एस टू सी एल टू कितनी आ जाएगी, जीरो। जैसे यहाँ पे फॉस्फरस की निकालनी है तो बेटा सोडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 281 कितनी आएगी, प्लस वन। कितने सोडियम है, थ्री। फॉस्फरस पे निकालनी है एक्स, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू। कितने ऑक्सीजन है, फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स विल बी प्लस फाइव। एक्स विल बी प्लस फाइव, ठीक है बेटा। तो यहाँ तो हमने सारी न्यूट्रल स्पीसीज ले दी, अब हम कुछ चार्ज स्पीसीज पे निकाल लेते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एनओ थ्री माइनस, सेकेंड मैं तुमसे कहूँ फॉस्फोरस इन एस थ्री पी टू ओ सेवन माइनस, नेक्स्ट कहूँ मैं तुम्हें सी एल इन सी एल ओ फोर माइनस, सी आर इन सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव, मैगनीज इन एम एन ओ फोर नेगेटिव, एंड इन लास्ट मैं तुमसे कहूँ आयरन इन एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस। मैं तुमसे कहूँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। बेटा जो रूल हमने पीछे पढ़े हैं ना वही रूल लगेंगे। जैसे मैं निकालनी है नाइट्रोजन की, तो एक्स ऑक्सीजन की माइनस टू इन टू थ्री, और मैंने पॉलीएटोमिक आयन है तो इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल आएगा, चार्ज के। चार्ज कितना है, माइनस वन, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, प्लस फाइव, ठीक है। यहाँ फॉस्फोरस की निकालनी है हाइड्रोजन पे, प्लस वन कितने हाइड्रोजन, तीन। फॉस्फोरस के एटम कितने हैं, दो, एक के ऊपर एक्स ऑक्सीजन माइनस टू, कितने ऑक्सीजन, सेवन इज इक्वल टू माइनस टू, तो कितना आएगा हमारे पास, टू एक्स माइनस चौदह में से तीन गया, ग्यारह इज इक्वल टू माइनस टू। यस और नो, सात दूनी चौदह प्लस तीन, चौदह में से तीन जाएगा माइनस ग्यारह इज इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू प्लस इलेवन, तो यहाँ से क्या आएगा, टू एक्स विल बी इज इक्वल टू, बेटा ये माइनस वन है, टू एक्स विल बी टेन, तो एक्स विल बी प्लस फाइव, कितना आ जाएगा, प्लस फाइव। जैसे मैंने कहा क्लोरीन इन सी एल ओ फोर, इसकी निकालनी है एक्स, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू इन टू फोर इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, प्लस सेवन। जैसे मैं कहूँ क्रोमियम इन सी आर टू ओ सेवन टू नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे, कितने क्रोमियम, टू, एक क्रोमियम की एक्स ऑक्सीजन पे माइनस टू, कितने ऑक्सीजन, सेवन इज इक्वल टू माइनस टू, तो टू एक्स विल बी ट्वेल्व, तो एक्स विल बी प्लस सिक्स। जैसे मैं कहूँ मैग्नीज इन एम एन ओ फोर माइनस, तो एक्स माइनस टू इन टू फोर इज इक्वल टू माइनस वन, तो मैग्नीज में कितना आ जाएगा, प्लस सेवन। यहाँ देखो बेटा आयरन की निकालनी है एक्स, साइनाइड पे कितना होता है माइनस वन, कितने साइनाइड, सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स विल बी प्लस टू, ठीक है। तो ये जनरल मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक है। आप बेटा तुमने देखो टेंथ क्लास में दो प्रोसेस पढ़े होंगे, एक तुमने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा तुमने पढ़ा होगा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, तुमने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिडक्शन तुमने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो डेफिनेशंस है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में कहें तो ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, क्या, रिडक्शन। अगर बेटा किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ फिनोमिना विल टेक्स प्लेस, तो उसको हम बोल देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, ठीक है बेटा। और जिसका रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट,
क्या ऑक्सीडाइट। देखो एक डेफिनेशन से ये कि सब एक एग्जांपल से सारे क्लियर हो जाएंगे, फिर से बता रही हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तुमने टेंथ में डेफिनेशन पढ़ा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन में क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म में बोलें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन क्या होगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का क्या करेगा रिडक्शन, तो क्या कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे का क्या करेगा ऑक्सीडेशन, क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल से देखो बेटा, जैसे मैंने कहा जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस कर दिया। अब मैं तुमसे कहूं बेटा ये बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम हर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। जिंक की कितनी आएगी जीरो, क्लोरीन की माइनस वन, तो हाइड्रोजन प्लस वन। यहाँ क्लोरीन माइनस वन तो जिंक पे कितनी आएगी प्लस टू, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म तो कितनी आएगी जीरो। तो बेटा देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस टू हो गई, तो ये क्या हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय टू। ओके, यहाँ हाइड्रोजन कितना था, यहाँ हाइड्रोजन प्लस वन, यहाँ कितना हो गया जीरो, तो यहाँ क्या हुई है बेटा कमी आई है, तो क्या लिखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय प्लस वन से जीरो, एक का चेंज लेकिन एटम कितने हैं दो, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय टू। तो यहाँ देखो इनक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, तो यहाँ कौन सा फिनोमिना हुआ बेटा, यहाँ पे हमारा हुआ ऑक्सीडेशन। इट मीन्स यहाँ पे जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पे बेटा इस HCl का क्या हुआ रिडक्शन, या कौन सा हुआ फिनोमिना हुआ रिडक्शन हुआ। ठीक है बेटा, अब जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है रेड्यूसिंग एजेंट, क्या कहलाता है रेड्यूसिंग एजेंट। और HCl में यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ था बेटा रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे का क्या करेंगे रिडक्शन करेंगे, और दूसरे का रिडक्शन करेंगे तो क्या कहलाएंगे रेड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने तुमसे कहा I2 plus H2S gives us 2HI plus S। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म जीरो, सल्फर एलिमेंटल फॉर्म जीरो, हाइड्रोजन आयोडीन पे माइनस वन, हाइड्रोजन पे प्लस वन, यहाँ प्लस वन तो यहाँ कितना आएगा माइनस टू। बेटा देखो जीरो से माइनस वन क्या आई है कमी आई है डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। सल्फर का देखो माइनस टू से जीरो इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो आयोडीन का रिडक्शन हुआ, तो आयोडीन क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या कहलाएगा रेड्यूसिंग एजेंट। शायद तुम्हें अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।